This is your host and those, Dr. Mithun Ladiwala from Nagpur HHF. So, आज हम पढ़ने वाले हैं एक रेमेडी जो कि क्लोज है लास्ट रेमेडी से. लास्ट हमने पढ़ा था वेनिला, आज हम ले रहे हैं कालिका. ओके, सो कालिका में काली बिलोंग्स टू पोटेशियम. ओके, सो पोटेशियम कहाँ होता है? सेल्स के अंदर. जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पोटेशियम अंदर होता है और प्रॉब्लम आने पे सेल्स के बाहर आता है और फाइट करता है. रिवर्स टू नैट्रम, नैट्रम बाहर होता है सेल के, कोई इशू आता है तो वो अंदर जाता है ना. हेंस इससे हम याद रख सकते हैं कि तो काली जो होता है वो अटैकिंग होता है और फाइट करता है, क्वारलसम होता है, क्योंकि सेल के अंदर होता है, जब कोई स्टिमुलेशन आता है तो बाहर आता है वो, है ना, इससे याद रखेंगे. ओके, सो काली कार्ब एक बहुत ही ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रेमेडी है. ओके, और बहुत ही इम्पेशेंट वाली, इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट में है काली कार्ब. तो ये जो होते हैं बहुत ही एक्टिव लोग होते हैं और क्वारलसम होते हैं और अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से सब चीज़ें करवाने वाले में से होते हैं, है ना. और कार्ब जो होता है, काली हमने समझ लिया, कार्ब जो होता है इसको हमेशा एक सपोर्ट लगता है, ठीक है. इसीलिए काली कार्ब को हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है पर साथ में एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, है ना. तो अगर आप देखेंगे बच्चों के रूब्रिक्स और बड़ों के रूब्रिक्स, है ना, तो बच्चों के रूब्रिक्स में भी सब जगह कालीज में हम देखेंगे क्लिंगिंग है, कैरिड है और होल्डिंग है, ये सब चीज़ें मिलती है, इससे हम याद रखेंगे, है ना. तो काली कार्ब कैसा बंदा होता है ना, काली कार्ब बहुत ही डिक्टेटोरियल, डॉगमेटिक और ड्यूटी वाला, प्रॉपर टू चलने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ठीक है, ऐसा बंदा होता है. डॉगमेटिक मतलब क्या, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है, डॉगमेटिक मतलब जो लोग ये समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको करना है ना, और मैं जो समझता हूँ वही सही है, इसको डॉगमेटिक बोलते हैं. डिक्टेटोरियल मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको करना है, मतलब करना है. डॉगमेटिक मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है और मैं यही करूँगा, ये फर्क है, ठीक है. आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन मैं तो यही करूँगा और मेरी जो सोच है वही सही है, ये डॉगमेटिक होता है ना. तो काली कार्ब जो होते हैं वो काफ़ी मेहनती लोग होते हैं, इंडस्ट्रियस में है और रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ड्यूटी वाले होते हैं. एक केस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जिससे आपको काली कार्ब बहुत अच्छे से समझेंगी. एक मेरे पास कोविड में पेशेंट आया था, उसको मैं आईसीयू में जाके देख के आया था, 65 उसका ऑक्सीजन लेवल था. ओके, तो जब मैं जाके मिला उनसे तो 65 ऑक्सीजन में भी वो बैठ गई पेशेंट और मेरे से बात करने लगी बहुत अच्छे से. मैं आई वॉज इन अ सरप्राइज कि ये लेडी कैसा बात कर सकती है 65 ऑक्सीजन में, उसकी एज भी 65 प्लस ही थी, ठीक है. सो मैंने उनसे बात की, कैसा लग रहा है आपको, क्या तकलीफ है, ये है वो है, जो भी मैंने पूछा सबका आंसर उसने एक ही दिया, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगी, ठीक है. तो ये इस चीज़ पे भी मुझे एक सरप्राइज आया कि यार 65 प्लस एज है, ठीक है, ऑक्सीजन 65 पे चल रहा है, फिर कैसा ये ठीक होने की बात कर रही है. तो आई वॉज सो कन्फ्यूज इन हाई स्पिरिटेड एंड पॉजिटिवनेस, ठीक है. सो मैं कन्फ्यूजन में था इस चीज़ में, पर मैंने उसको ध्यान से समझा और वापस पूछा मैंने उनको कि आपको क्या फीलिंग है, कि आप ठीक हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे. नहीं बोले, मैं अच्छे से ठीक हो जाऊंगी, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है, भले मुझे अभी बहुत तकलीफ है पर मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी, और सर आप हो ना, आप मेरे को ठीक कर दोगे, ठीक है, ऐसा उसने बोला. तो अगेन में थोड़ा सा सल्फर वाला फीलिंग आया मेरे को. फिर मैं थोड़ा सा डिटेल लिया उनके रिलेटिव से, तो बोला ये कैसी है, कैसा बिहेवियर है इसका. तो उन्होंने बताया कि सर, उसकी बेटी ने बात किया मेरे से, तो उसकी बेटी ने बताया कि सर हमको इसी ने पाला है, बड़ा किया है, क्योंकि फादर बहुत वीक है ना,
तो वो स्टैंड नहीं ले सके लाइफ में, तो इसी ने स्टैंड लिया और सारे सारी छह लड़कियों को और दो लड़कों को बड़ा किया, 8 बच्चे थे उसके, ठीक है। तो और अभी कहाँ रहती है, तो बोले अभी एक बेटे के पास रहती है। तो उसका चहिता कौन है, तो बोले यही बेटा है जो है बड़ा वाला, ये सबसे ज्यादा चहिता है क्योंकि ये उनका उसका सुनता है और ये उसी के पास रहना चाहती है। तो बोले अभी बीमार क्यों हुई है, तो बोले बीमार इसलिए हुई शायद, बोले मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो वो जिसके पास बेटे के पास रहती है वो उसने घर पुराना तोड़ के नया बनाया और ये कहा कि आई तू नीचे रहना, हम लोग ऊपर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी घर में जगह नहीं है, लोग बढ़ गए हैं, तो हम लोग ऊपर रहेंगे तू नीचे रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अलग कर रहे हैं उसको, ठीक है, पर तू नीचे रहना क्योंकि तू तुझे ऊपर चढ़ना नहीं होगा, तू ग्राउंड फ्लोर पर रहे और मैं ऊपर रहूंगा। तो इस चीज से भी उसको इनसिक्योरिटी आ गई कि ये बच्चे ने ऐसा क्यों किया, क्या किया, है ना। तो यहाँ वो बीमार गिरी, उसने बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सारे घर के डिसीजंस वो ही लेती थी, वो ही संभालती थी, सारे बच्चों को उसी ने बड़े किया, बहुत स्ट्रिक्ट थी, अपने समय पे काम करती थी, 4 बजे उठना और रात को 10 बजे तक सोना, पूजा पाठ करना, ये पूरा उसका रूटीन था। और वो सबसे इम्पोर्टेंट उसका ये पार्ट था कि वो कोई भी चेंज बर्दाश्त नहीं करती थी। तो ये जो चेंज हुआ घर पे कि घर बना, ऊपर नीचे किया, उसको नीचे रखा गया, बाकी बेटा ऊपर रहने गया, ठीक है, भले ही किचन एक था, तो ये चेंज उसको खटका कहीं ना कहीं। तो कालीकार का मेन इशू है चेंज अवर्जन टू, क्यों, क्योंकि ये कन्फर्मिज्म में होते हैं, है ना। तो कन्फर्मिज्म मतलब क्या, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, जो जिनकी सोच एक ऑर्थोडॉक्स होती है, जो सोचते हैं कि ऐसा ही चलना चाहिए, ठीक है, ट्रेडिशन प्रथा के हिसाब से, और जब आज के जनरेशन के लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं तो उनको हर्ट होता है, बुरा लगता है ना। तो ये लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए रहता है, ठीक है। कार्ब एलिमेंट सपोर्ट शो करता है ना, तो इनको सपोर्ट चाहिए होता है, पर सपोर्ट अगर इनका टूटा तो ये बीमार हो सकते हैं। इसीलिए ये लोग इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट इसमें होते हैं, अपने बच्चों को लेके बहुत इम्पेशेंट होते हैं। आपने देखा होगा एक मूवी, अगर आपको इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट अगर समझना है तो आपको ये मूवी देखना होगा, हेलीकॉप्टर इला नाम की, हेलीकॉप्टर इला, जिसमें काजोल ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, आप उसे देख सकते हो। वो कैसे इम्पेशेंट होती है अपने बच्चे को लेके, इतनी होती है कि वो अपने बच्चे के कॉलेज में एडमिशन ले लेती है देखने के लिए क्या करता है। सो आप सोच सकते हो ये कितना अनकंफर्टेबल होता है सिचुएशन वो बच्चे के लिए, कि अब मेरी माँ मेरी कॉलेज में एडमिशन ले ली, ठीक है, बट नॉट एज अ टीचर बट एज अ स्टूडेंट एडमिशन लेती है वो, तो उसका कंफर्ट जोन अलग होता है, ये उसके कंफर्ट जोन में घुस जाती है, तो बच्चे को कितनी परेशानी होती होंगी। तो सेम काली कार भी ऐसी होती है, वो जब तक फोन करते रहेंगी या सोएंगी नहीं घर पे, जब तक कि उसका बेटा वापस नहीं आ जाता, चाहे रात के 1 बज जाए, 2 बज जाए, 4 बज जाए, ठीक है, या उसे बार बार फोन करेंगी, अगर वो बीमार हो गया तो उसके पास ही बैठी रहेंगी, ठीक है, वो खाना नहीं खाया तो उसको जबरदस्ती खिलाएंगी। तो ये जो इस चीज की वजह से काली कार्प का आईपीआर परेशान होता है उनसे, है ना, वो ओवर रिस्पॉन्सिबल होती है अपने बच्चों के लिए, डिक्टेट करती है ना। बट काली कार्प लव फॉर फैमिली में है ना, अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, पर उसका जो ये बिहेवियर होता है कन्फर्मिज्म, अगेन हाँ प्रॉपर टू में भी है, ठीक है, प्रॉपर टू मतलब यहाँ टू लगा है, TOO, मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा, अपने टाइम पे करेक्ट 4 बजे उठना, चाहे बीमार है तो भी, दिस इज प्रॉपर टू, और काम बरोबर करना, ठीक है, इन लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होती, अगर कोई नहीं करे तो ये खुद उठ के कर सकते हैं, है ना, ऐसे होते हैं काली कार। तो अब बच्चे कैसे होते हैं काली कार, मैं ये आपको बताना चाहता हूं, बच्चे भी चेंज अवर्जन टू चिल्ड्रन इन, बच्चे भी डॉगमेटिक होते हैं, प्रॉपर टू होते हैं और ऑब्स्टिनेट होते हैं, ड्यूटी वाले होते हैं, पर जो और छोटे बच्चे होते हैं वो जो होते हैं, जो मैंने बताया, इसे सपोर्ट चाहिए इनको,
तो ये बिना सपोर्ट के नहीं रह सकते, अगर इनको सपोर्ट वो नहीं मिला तो ये इनसिक्योर हो जाते हैं, ये क्लिंग करते हैं अपनी मदर को। और ये भी वैसा ही रूटीन में काम करते हैं। एक मेरे पास चाइल्ड है जिसको स्किन डिजीज था, तो मैंने उसे काली कार्ब दिया था, तो वो क्या करता था, वो अपने रूटीन में ही खाना खाता था और वो गिनी चुनी ही चीज़ें, चार ही चीज़ें खाता था, उसी से पेट भरता था। प्लेट में चार चीज़ें रखी है तो वो स्टेप बाय स्टेप ही खाता था, पहले चावल फिर पापड़ फिर दाल फिर, ठीक है ऐसा, और ये ही स्टेप्स है, और दूसरा उसको उल्टा भी नहीं होगा और बीच में से भी कुछ नहीं पिक करेगा, एकदम सेट से। तो इसको मैंने काली कार दिया था। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं, क्लिंगिंग टू चिल्ड्रन, सॉरी क्लिंगिंग इन चिल्ड्रन मदर, चाइल्ड क्लिंग्स टू चिल्ड्रन, और ये किसी और को टच नहीं करने देते, किसी और का टच बर्दाश्त नहीं करते, कोई स्ट्रेंजर बर्दाश्त नहीं करते, किसी का अप्रोच बर्दाश्त नहीं करते ये बच्चे, और बहुत रेस्टलेस होते हैं। तो रेस्टलेसनेस इनका कैसा जाता है, कैरिड करने से। ओके, फियर ऑफ अप्रोचिंग ऑफ अदर्स चाइल्ड कैन नॉट बियर। ओके, कैरी डिजायर टू बी कैरीड अप्रोच बाय पर्सन बींग अवर्जन टू, है ना, फियर ऑफ बींग फॉरसेकन इन चिल्ड्रन, ये सारे रूबरी है, टच्ड अवर्जन टू इन चिल्ड्रन, इससे क्लोज आती है सीना और एंटीम टाट, है ना, जो कि टच बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और कैरी डिजायर टू बी कैरी, ये ऐसे बच्चे होते हैं। तो आप क्लिंगिंग चिल्ड्रन में हम सिर्फ दो चार ही रेमेडी मतलब देते हैं, तो आप काली कार्ब भी आपको ध्यान रखना है। ओके, साथ में सिर्फ स्ट्रामोनियम देते हैं हम लोग या एंटीम टार्ट देते हैं, है ना, तो हमें काली कार्ब भी हमें याद रखना है, और पल्सेटिला है, बिस्मत है ना, ये भी है क्लिंगिंग चिल्ड्रन में, पर काली कार्ब भी है, ये हमें ध्यान रखना है, काली कार्ब को मिस नहीं करना है। तो ये ऐसे होते हैं काली कार्ब। चीयरफुल इन मदर्स लैप, ये कंप्लीट डायनेमिक्स का रूब्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। चीयरफुल इन मदर्स लैप, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड कॉन्स्टेंटली, कैरिड डिजायर टू बी कंफर्टेबल एंड चीयरफुल इन मदर्स लैप, यानी मदर के लैप में वो बहुत उनको सुकून मिलता है, अच्छा मिलता है, ठीक है। तो वो मैंने जो लेडी का जो केस बताया जिसको 65 O2 था, तो उसको काली कार्ब देने के बाद आज वो 95+ O2 उसका है, वो कंफर्टेबली बिना ऑक्सीजन के आज सारे काम कर रही है, ना उसे कोई पंप लेने की जरूरत पड़ रही है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो उसका रूब्रिक मैंने लिया था एक, जो कि कंफ्यूज होता है, वेल सेज व्हेन वेरी सिक से, ऑप्टिमिस्टिक से और हाई स्पिरिटेड से, है ना, मैंने उसका एक रूब्रिक लिया था कि आप भूलोगे नहीं, ऑप्टिमिज्म इन स्पाइट ऑफ वीकनेस, ये रूब्रिक से मैंने उसे काली कार्ड दिया था, तो आज एब्सोल्युटली नॉर्मल है, ठीक है। तो एक और बहुत अच्छा रूब्रिक है, क्लोजिंग आईज एम्बुलेशन, जो कि काली कार्ड में है। तो कई केसेस में हमने देखा कि जब काली कार्ड बीमार होता है, जब वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी निभाता है अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, और जब ये फैमिली वाले उसका साथ नहीं देते या उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलते, तो वो बीमार होता है ना। तो उसे ये फीलिंग होती है कि यार मैंने जिंदगी भर इनके लिए इतना किया, पर आज ये मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं, है ना, क्योंकि उसका नेचर वैसा होता है, डिक्टेटोरियल डॉगमेटिक, तो ये सबको सहन नहीं होता, सब अलग अलग तरीके की रेमेडीज होती है, इंडिविजुअलाइजेशन होता है, नेचर होता है, तो उनको सहन नहीं होता है। तो काली कार्ब को कई लोग छोड़ देते, उसका जो डोमिनेशन है, चिपकना बार बार, ठीक है, बचपने में वो किसी को चिपकने नहीं देती, सिर्फ मदर को क्लिंग करती है, और बाकी एज में वो बच्चों के लिए इम्पेशेंट होती है और उनको चिपकती है, ठीक है ना, दोनों जगह क्लिंगिंग कंटिन्यू है पूरे लाइफ में, इसको सपोर्ट चाहिए होता है ना। एक रूब्रिक है जिससे उसका आप फीलिंग समझ सकते हैं क्यों बीमार होती है, डिल्यूजन इमेजिनेशन एम्प्टीनेस ऑफ बिहाइंड हिम ऑन टर्निंग अराउंड, मतलब जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ अपने आप को कि मैंने क्या किया जिंदगी भर, ठीक है, तो मुझे खालीपन ही दिखता है, क्योंकि आज मेरे साथ पीछे कोई नहीं है, एम्प्टीनेस ऑफ डिल्यूजन एम्प्टीनेस ऑफ बिहाइंड हिम ऑन टर्निंग अराउंड,
है ना, ये एक बहुत अच्छा रूबरिक है जो उसका फीलिंग होता है जिसके कारण वो बीमार होती है। कालिका बहुत सारे फियर वाले रूब्रिक्स में है, बहुत ही फियरफुल होती है, इसी कारण से अकेले नहीं रह पाती वो। फियर ऑफ बींग अलोन, चाइल्ड वॉन्ट्स मदर टू होल्ड हर हैंड। फियर ऑफ बींग अलोन बट डिजायर्स, फियर ऑफ बींग अलोन बट डिजायर्स टू बी अलोन, ऐसा भी है। और एक रूब्रिक है कंपनी डिजायर फॉर, येट ट्रीट देम आउटरेजियसली, मतलब। और एक वैसा ही सेम कॉरल सब में भी है ना। तो इनका मतलब क्या है, ये बंदा तो चाहिए मुझे साथ में, पर उसके साथ झगड़ा भी बहुत करेंगी, है ना, उस मतलब उसको वो जीने नहीं देंगे, झगड़ा भी करेंगी और वो साथ में भी चाहिए। ये ट्रीट डैम आउटरेजियसली, ये उसका रूब्रिक है। और काली कार्प को बहुत सारे फियर्स होते हैं, फियर पॉवर्टी होता है ना, कि फ्यूचर में क्या होगा, अपने हेल्थ को लेके बहुत एंजाइटी होती है काली कार्प्स को। कालीज आर मोस्टली रेस्टलेस रेमेडी। बट काली जो होते हैं वो लॉयल होते हैं हमेशा अपने फैमिली के लिए, हमेशा वो अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते हैं, कैसा करना है इनके बारे में, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, आगे कैसे बढ़ेंगे, ये उनको डिक्टेट करेंगी, स्ट्रिक्ट रहेंगे, स्ट्रिक्ट मदर्स होते हैं काली, ठीक है, प्रॉपर टू ऐसा ही चलना चाहिए, तुमने यही प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है, और कोई दूसरी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चेंज अवर्जन टू वाला जो फीलिंग होता है कालीज का, वो बाकी सबको बर्दाश्त नहीं होता, और इसीलिए IPR उनको प्रॉब्लम दे सकता है। बट काली कार्यविक एक रूब्रिक में है डिसिप्लिन्ड, है ना, तो ये हमेशा डिसिप्लिन्ड चलते हैं। डिसिप्लिन्ड कौन रहते हैं हमेशा, हम देखेंगे कि आर्मी वाले जो है, जो ये डिसिप्लिन्ड होते हैं, है ना, जैसा उनको बताया गया वैसा ही करना, इस प्रॉपर। तो काली कार्प जो है, एक काली कार्प का बहुत अच्छा रूब्रिक है एनल फिक्सेशन। हाँ, काली कार्प बहुत, तो एनल फिक्सेशन में काली कार्प कैसे है, ये जो लोग होते हैं ना एनल फिक्सेशन वाले, उनका बिहेवियर बहुत ऑब्स्टिनेट होता है, ग्रीडी वाला होता है, और ये ऑर्डरलीनेस में चलते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि इनका सेकेंड स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, जिसके अंदर जो है इंटरेस्ट सेंटर जो है एक्सक्रेटरी फंक्शन है, मतलब इनका जो सेकेंड स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट प्रॉपरली पास ऑन नहीं होता है IPR के वजह से, स्ट्रिक्टनेस के वजह से, हमें ऐसा ही बिहेव करना है, ऐसा ही बिहेव करना है, तो वो बच्चा जो होता है काली कार का बच्चा, वो भी एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली के कारण या ऑर्थोडॉक्स सोच के कारण या एक ट्रेडिशनल सोच के कारण वो भी वैसा बनते जाता है ना। फॉर एग्जांपल, आपने मोशन टाइम पे ही करना चाहिए, इधर नहीं करना चाहिए, बच्चे लोगों ने कंट्रोल करना चाहिए, साफ रखना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए, और टाइम पे बाथरूम जाना चाहिए, है ना, ये छोटे बच्चों को बाय क्या बोलते हैं डोमिनेशन, उनको ऐसा सिखाया जाता है, तो वो डोमिनेशन के कारण या वो ट्रेडिशन के कारण या वो ऑर्थोडॉक्स सिचुएशन में ऐसे बन जाते हैं, उसको बोलते हैं एनल फिक्सेशन। ओके, दूसरा रूब्रिक जो है काली कार्प का, वो है एनार्चिस्ट, है ना, तो काली कार जो है ना एनार्किस्ट होती है, मतलब वो सबको तोड़ते हुए आगे बढ़ेगी, और मतलब सारे अथॉरिटीज को रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकती है ना, और कंट्रोल कर सकती है सभी लोगों को, है ना, अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना और कोई कंट्रोल के अगेंस्ट जाना, उसको बोलते हैं एनार्किज्म, है ना, तो ऐसा काली कार होती है। सो दोस्तों, होप सो आप लोगों को सबको मजा आया होगा, जितना मुझे काली कार अच्छे से मालूम था मैंने आप लोगों को बताया है। सो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नेक्स्ट रेमेडी के साथ।
जो कि क्लोज है कालिकार्प से। ओके सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।